शराब घोटाला कितनी गंदी चीज था कि लड़कियों तक को पीने के गुर सिखाए जा रहे थे। एक पिंक बूथ बनाया जा रहा था बकायदा कि वहां पर 18 साल के लड़के लड़कियों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए पीने की। बड़े बड़ी सेलिब्रिटी से ये सिखाया जा रहा था कि पीने में कितना आनंद आता और पीने के बाद कितनी मौज आती है। वो कोर्ट से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कोर्ट में जिस दिन वो चले गए पर्दा साफ हो जाना है, तो इसी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं कि ना जाए क्योंकि गए तो उसी दिन उनका भाड़ा फूट जाना है। वो दिखावा कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो झूठे के कहानी बना रहा है। वो केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा है हमको लिए। हमारे घर पे जाओ, हमारे नाली भरा है, इतना पानी है, लेल का हम आते हैं, वो झूठा वादा करते, वो झूठा है। मैडम ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, आज भी इस पर क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो ये साफ जाहिर है कि वो बच रहे हैं, अगर उनको शक नहीं है। वो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं और वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो उन्हें तो पेश होना चाहिए। अगर उनका डाटा बिल्कुल सही है, वो बच रहे हैं इस चीज़ से कि उन्हें पता है कि जिस दिन मैं पेश होऊंगा उसी दिन गिरफ्तार हो जाऊंगा। उनके कारनामे इतने हैं, शराब घोटाला इतना बड़ा किया है कि उन पर चारा नहीं है बचने का, तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जितना हो सके। आ रही है कि ईडी के सामने पेश होने से पहले वो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अरविंद के। हाँ बिल्कुल, बनाना चाहेंगे सुनीता को, हर हालत में बनाना चाह रहे हैं वो। उन्हें पता है मैं गिरफ्तार होऊंगा ही होऊंगा, तो वो इसलिए अपनी बीवी को सेफ साइड देके पहले सब सिखा के समझा के सारे आंकड़े फिट करके तब वो ईडी के सामने पेश होंगे। कह रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ईडी सीबीआई बीजेपी के इशारे पे काम। नहीं, बीजेपी के इशारे पे कोई हमें क्यों नहीं गलत साबित कर देगा, किसी और को गलत साबित क्यों नहीं कर देता। अगर गलत किया होगा तो कहीं कोई गलत साबित होगा ना। अगर आपने गलत नहीं किया तो कोर्ट है, न्यायप्रिया के पे भरोसा है। जब आप जीतते हो, जब बीजेपी आपको नहीं हराती है, जब आप हारते हो या गलत काम करते हो तो बीजेपी आपके पीछे पड़ जाती है। घोटाले को आज भी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये घोटाला जो है वो काल्पनिक घोटाला। आप ये देखिए, शराब घोटाला कितनी गंदी चीज था कि लड़कियों तक को पीने के गुर सिखाए जा रहे थे। एक पिंक बूथ बनाया जा रहा था बकायदा कि वहां पर 18 साल के लड़के लड़कियों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए पीने की। बड़े बड़ी सेलिब्रिटी से ये सिखाया जा रहा था कि पीने में कितना आनंद आता और पीने के बाद कितनी मौज आती है, इस तरह के एड चलाए जा रहे थे। तो ये तो एक उन्होंने गुनाह किया है, उस गुनाह की तो माफी ही नहीं है कि वो देश के अपने बच्चे को आईटी में पढ़ाएंगे, अपने बेटे को आईआईटी कराएंगे, दूसरे के बच्चों को 18 साल की उम्र करके शराब खाने बेचेंगे, आप शराब की आमदनी बढ़ाएंगे और फिर कहते हैं कि मैं तो काली शराब बंद कर रहा था। अरे 100 ऐप होते हैं लेकिन पर्दे के अंदर ही अच्छे लगते हैं। आदमी पर्दे के बाहर आता हुआ हर चीज़ करता हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर अवैध बिक्री थी तो उसका नाम अवैध है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान देती थी, लेकिन आप अवैध को वैध करके गली गली बेचोगे, हर कोने पे बेचोगे, बच्चों को पीना सिखाओगे, तो ये कहाँ का आपका धर्म हो गया? ये कैसे स्कूल अच्छे कर रहे हो? 18 साल का बच्चा स्कूल से निकलते सीधा मैखाने पहुंचेगा, तो ये तो गुनाह कराया केजरीवाल ने। देश में लोकतंत्र की हत्या जो है वो मोदी सरकार कर रही है। कैसे कर रही है? लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या कर रही होती तो अभी राम मंदिर का जो कार्य हुआ है उसमें घर घर आपको भगवाना लहराया हुआ दिख रहा होता, सब रोटी खाते हैं, कोई घास नहीं खाता है। तो लोग मन से स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी को, किसी और के कहने से स्वीकार। तुम बनाओ ऐसी इमेज, तुम क्यों धर्म से हट रहे हो, तुम बनाओ अपनी इमेज। तो ये तो गलत, केजरीवाल ने जो शराब का गुनाह किया है ना मैडम, ये तो माफी के लायक ही नहीं है। जिसके घर में एक बेटा होता है, आप उम्मीद लगाइए कि बाप भी पी के निकले, शाम को बेटा भी शराब पी के आए, उस घर की क्या स्थिति होगी? इनको तो रेवेन्यू मिल जाएगा एक के संग एक फ्री, ये कौन सा तरीका होता है? शराब कभी सुनी थी एक के संग एक फ्री, पेटी के संग पेटी फ्री? तो ये तो मतलब हजम करने वाली बात ही नहीं है बिल्कुल भी। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। नहीं, ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र संस्था है, मोदी कैसे कर लेगा इस्तेमाल? वो तो स्वतंत्र संस्था है, उनको अलग कहीं काला दिखेगा, उनको कहीं घोटाले दिखेंगे तो वो तो खुद रेड मारेंगी, उनको कोई कैसे, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ती। अगर बीजेपी का कोई गलत मंत्री करता है तो ईडी तो वहाँ भी जाती है, तो ईडी तो स्वतंत्र संस्था सदियों से है, आज से थोड़ी है। हाँ कहते हैं कि मोदी जी कितना भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर ले पर 2024 का ये जो गठबंधन है, राघव चड्ढा कहते हैं ऐसे ही मजबूती से खड़ा रहा तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। गठबंधन में तो जान ही नहीं है, इनका तो कोई चेहरा ही नहीं है, एक के बाद एक टूटते जा रहे हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए, बहुत दिन पहले एक वक्तव्य आया था, मोदी सरकार में 1000 कमी है लेकिन आप में अच्छाई क्या है? आप जनता के सामने क्या मैपिंग दे रहे हो? आपकी मैपिंग क्या है कि हम ये करेंगे? मोदी ने 100 गुनाह करे हैं, ठीक है, लेकिन आप उस ब्याह पे वोट तो नहीं ले सकते ना मोदी के गुनाहों पे। आपके कर्म क्या हैं? आपकी मैपिंग क्या है? आप देश का विकास कैसे करोगे? जीडीपी कैसे बढ़ाओगे? शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी का स्तर कैसे सही करोगे? तो आपकी अपनी मैपिंग जनता के सामने जाएगी, वो पसंद आएगी, लोग आपको वोट देंगे। आपकी मैपिंग ही नहीं, आप मोदी के खाली अवगुण निकाल रहे हो।
ये चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी का मेयर बना है उसको लेकर आज विपक्ष ये कह रहा है, राहुल गांधी भी ये कहते हैं कि अगर एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इतनी धांधली कर रही है तो सोचिए लोकसभा में क्या हो। तो उस चुनाव की उन्होंने डाल तो दिया रिट, अब कोर्ट में फैसला हो जाएगा। कोर्ट में हरियाणा कोर्ट ने तो मना कर दिया, रोक लगा, बिल्कुल रोक लगाने से मना कर दिया। और ऐसे कैसे धांधली हो जाएगी, जो वोट देता है वो बहुत समझदार होता है, परिपक्व होता है, वो अपने हिसाब से वोट देता है, वोट मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते हैं। तो वोट अपने हिसाब से गए और बिल्कुल सही चुनाव हुआ है, जो बीजेपी का मेयर बना है बिल्कुल सही चुनाव हुआ है। बीजेपी की दिल्ली में काम रुकवाने की कोशिश हो रही है, दिल्ली में बड़ा काम। आप मेरे साथ ना किसी भी बड़े सरकारी अस्पताल में चलिए, किसी भी अस्पताल में, और आपको वहाँ किसी भी टेस्ट की आपको एक साल से पहले की डेट मिल जाए, आप जो चाहे वहाँ केजरीवाल को आप बिठा देना। एक अस्पताल में जाके जो बदतर हालत हो गई है, सिर्फ एड चल रही है, एड किसी भी अस्पताल में, आज भी लोग सड़कों पे कंबल लेके लेटे हुए मिलेंगे आप। पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है हमारी सरकार? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किया तो काम भी नहीं किया है। बात उसकी नहीं होती कि हमने भ्रष्टाचार, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही भी नहीं हूँ, उन्होंने काम भी नहीं किया। स्कूलों की हालत, जो आज भी पांचवी के बच्चे को किताब पढ़नी नहीं आती है, आठवीं के बच्चे को दो का पहाड़ा नहीं आता, दो का पहाड़ा मैं चैलेंज कर रही हूँ। तो इस सेम बदतर हालत हुई है, बल्कि इन्होंने जो करा कि बच्चे पास नहीं, फेल नहीं होंगे, तो उल्टा और उससे नलायकी बढ़ गई है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे स्कूल मॉडल की जो है वो न्यूयॉर्क तक में तारीफ है। सिर्फ डेस्क की तारीफ है, टाइल पत्थरों की तारीफ है, अच्छी लैब की तारीफ है, लेकिन बच्चों की तारीफ कहीं नहीं है। स्कूल की तारीफ हो रही है, बिल्डिंग की तारीफ हो रही है, बच्चों की तारीफ कहीं नहीं हो रही है। आप किसी भी बच्चे का टेस्ट लेके देख लीजिए, आप घूमा करिए, आप पत्रकार हैं, स्कूल में बच्चे से पांचवीं से दो का पहाड़ा सुनिए, अगर वो किताब पढ़ के दिखा दे हिंदी की, इंग्लिश तो दूर की बात है, वो कहीं साइंस पढ़ के दिखा दे, दो का पहाड़ा सुना दे, आप अपनी पत्रकारिता छोड़ देना। बच्चों को जो है वो अच्छी शिक्षा और व्यवस्था देने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, अगर भ्रष्टाचार चाहिए तो ही बीजेपी या कांग्रेस को चुनना, ये बात कह रहे हैं अरविंद। नहीं नहीं, कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार, इतने 10 साल से वो सत्ता में है, क्या दिल्ली में विकास दिख रहा है आपको? आज भी जाम था, हम आए आज भी जाम है, आज भी अस्पतालों की वो स्थिति है, स्कूलों की स्थिति है, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं बढ़ा, कितने को लेटर मिला है दिल्ली सरकार में, कितने को नौकरी मिली है, तो ये सब झूठ है। मैम ये बताइए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 5वां समन और आज भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं, और आज बीजेपी का ये प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? मैडम वो बेशरम है, निहायत ही बेशरम इंसान है कि 5 समन आने का, इसका मतलब ये कि वो कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते हैं। इतनी बार समन देने के बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए, अगर वो सही है, करप्ट नहीं है तो क्यों डर रहे हैं? वो बार बार एक माहौल बना देते हैं कि मुझे ले जाएंगे, ताकि उनको जनता से स्नेह मिले कि नहीं जी नहीं, गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हैं, पहले आप कहते हो अगर हम गलत हुए तो हमें जेल में डाल देना, और जब समन आता है तो आपको कोर्ट जाने में भी तकलीफ होती है। तो हम यही चाहते हैं, समन आया है, आप जाएं अपनी पेशगी दें, और आप अगर चोर नहीं हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद केजरीवाल नहीं गए, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी डरती है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती ताकतों। बीजेपी नहीं डरती, वो कोर्ट से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कोर्ट में जिस दिन वो चले गए पर्दा साफ हो जाना है, तो इसी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं कि ना जाएं, क्योंकि गए तो उसी दिन उनका भाड़ा फूट जाए। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, लोकसभा के चुनाव का कोर्ट से क्या लेना देना, कोर्ट अपना काम करती है 12 मास, तो उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, गलत करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ईडी सीबीआई मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रहे। मैडम कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट किसके साथ में होता है? तो कांग्रेस इतने साल राज कर गई तो इसका मतलब सारे विभाग उन्हीं के उसमें थे, सब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और आपके कृत्य के बेसिस पर वो आपको समन देती है, गलत करोगे तो समन मिलेगा। फिर आप बड़ी कन्वीनियंटली कह दो कि बीजेपी की सीबीआई और बीजेपी की ईडी है। हमने दिल्ली में काम किया है इसीलिए मोदी सरकार काम रोक रही है। किसने काम किया है, क्या काम किया बताएं आप, क्या क्या चमकाया बताइए आप। दिल्ली के अंदर बसेस तक तो सेंटर दे रही है जिस पे ये अपने नाम का प्रचार कर देते हैं, आज तक एक नई बस नहीं दी। दिल्ली की सड़कों की बुरी हालत है, दिल्ली की मेन रोड की लाइटें नहीं जलती हैं, तो कौन सा काम करने बताइए। ये फ्री बीज लोगों को देकर बेवकूफ़ बना रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। महिला खुश नहीं है क्या? देश की जनता जो कहते हैं कि दिल्ली की जनता तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल ना जाए बल्कि दिल्ली का काम। मैडम कौन सी जनता चाहती है, आप जाके जनता से बात करो, गाली बक रही हैं। ये कहता था कि मैं करप्ट नहीं हूँ, आज सबको समझ आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, लोकसभा चुनाव में सब नजर आ जाएगा सबको। आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के सामने पेश होने से पहले अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते। देख लीजिए कांग्रेस के बाद आप झाड़ू परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं,
ये सिर्फ बीजेपी है जो एक आम कार्यकर्ता को कहां से कहां पहुंचाती है, बाकी सब जगह परिवारवादी चलता है। जेल में जाने से डर रहे हैं क्या अरविंद? ऑब्वियसली डर रहे हैं, तभी तो उनका भय सतत दिखा रहा है कि वो 5-5 बार सम्मान आने के बाद भी नहीं जा रहे हैं। महिलाओं से बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो तमाम महिलाएं मौजूद हैं। मैम ये बताइए, वो तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए बतेरा काम किया है और अब बीजेपी डर रही है बढ़ती हुई ताकत से अरविंद के? कुछ भी नहीं काम किया मैं, वो सारे झूठा कहानी है उसको, वो दिखावा कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वो झूठे के कहानी बना रहा है वो केजरीवाल, कुछ भी नहीं कर रहा है हमको लिए, कुछ नहीं किए। हमारे घर पे जाओ, हमारे नाली भरा है, इतना पानी है, लेल का हम माते हैं, वो झूठा वादा करते हैं, वो झूठा है केजरीवाल, वो जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए टक्कर सिर्फ केजरीवाल दे सकते हैं? नहीं बहन जी, वो प्रधानमंत्री जो कर पाएगा वो केजरीवाल कभी जीवन में नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा वो। हम दिल्ली में बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे बहन, हाँ कुछ भी नहीं। सरकार चलाएंगे पर दिल्ली का काम नहीं रुकने? नहीं नहीं, कुछ भी और कुछ भी नहीं करके दिखाएगा हमारे यहाँ, वो जो है मोदी साहब है, वो जो करेगा वो सब अच्छे करेगा भारत के लिए। हाँ, और हमारे भाई साहब अनिल शर्मा है हमारे पास, हमारे सब के लिए हर मुसीबत में, हर दुख में, हर सुख में खड़े रहते हैं, और वो केजरीवाल कुछ भी नहीं करेगा, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। सरकार चलाएंगे? नहीं नहीं आएगा उसको, कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। महिलाओं से बात कर लेते हैं, वो कहते हैं महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है दिल्ली में। नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी कॉलोनी में तो पानी नहीं है, और इतने एप्लीकेशन देने के बाद भी वो पानी नहीं दिए, क्योंकि पीने का पानी हम 202 किलोमीटर दूर से लेके आते हैं, और एप्लीकेशन भी दिया और मेल भी भेजा सीएम को मैंने खुद ने, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं आया। 4 महीने हो गए इस चीज़ को, अभी कोई पानी का रिस्पॉन्स नहीं है, तो क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? कहते हैं कि हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है। क्या एक बात बताओ, जनता प्यासी मर रही है, पानी तक नहीं है, रिस्पांस में कह रहे हैं कि मैं अपने अधिकारियों को भेज के बहुत जल्दी पानी लगा देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया। मुख्यमंत्री से डर गए हैं मोदी जी? नहीं, लगता है कि मुख्यमंत्री से मोदी जी डर गए हैं, कह रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कहती है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश। आम पार्टी की तो जनता लायक जो है कि पछतावा कर रही, पछतावा है, सब सारी आम जनता का धोखा दिया उसने, जो भी करा कुछ अच्छा नहीं करा उसने, जो धोखा दिया जनता का। हाँ, अब खाली बिजली पानी कर कर के नहीं, सब जनता का धोखा दिया, हमें नहीं चाहिए ऐसे बिजली ऐसे पानी, जो जनता के जो मार रही भूखे, भुखारी आने वाली है अब। हाँ, दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी के द्वारा भेजा गया 5वां समन, और उसमें भी आज अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, और इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसी पर हम जो है बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे।